विश्वास करता हूँ हमारा जो आज इतना युवा हम लोग का एक डायनामिक हमारा लीडर हमारा साथ में है तो हम लोग को कुछ कमी नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जितना सका उस दिन 22 अप्रैल 2022 को मेरा वाइफ और मेरा कुछ परिवार देहांत हो गया था, उसमें भी हमारा एमएलए सर ने बहुत सा हेल्प किया। काश स्पोर्ट में देर नहीं होता तो हॉस्पिटल तक भी वो शायद हमें मदद करना था। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा एमएलए सर को। इसी तरह हमारा शीशा में और एल्फेन जामेरी जो तीन बस्ती का हमारा मालिक जो बहुत हमारा कुछ भी दुख प्रॉब्लम तकलीफ होता है तो आगे हमेशा आगे रहता है, कभी पीछे नहीं हटता है। कुछ तकलीफ हो आज यहाँ में जो आप पैनल का टीना देख रहा है ये भी सबको घर बनाने के लिए दिया है, एमएलए सर का पुरुष ही दिया है तो ये टीना आप देख सकता है। तो यहाँ में 12-13 आदमी को घर बनाने के लिए भी नया उनके तौर से सपोर्ट किया है और मैं उम्मीद करता है हमारा जितना मेडिकल प्रॉब्लम होता है कुछ भी तकलीफ होता है तो हम लोग एमएलए सर का घर में जाता है, अगर एमएलए सर नहीं होने से हमारा मैडम वो भी मदद कर देता है। इसलिए मैं विश्वास करता है कल को भी हमारा इस छोटा सा बस्ती में जितना भी बुरा बुरी रहता है तो इनको मतलब दुख तकलीफ कमी नहीं आएगा बल्कि मैं विश्वास करता है। और जितना आने वाले समय 2024 को हम जितना यहाँ में परिवार जितना वासी हो जितना जनजाति यहाँ में हमारा बहुत सा कम्युनिटी है, यहाँ में मिजी कम्युनिटी है और मोम्पा कम्युनिटी भी है, प्रोइंग कम्युनिटी भी है और अदरवाइज कम्युनिटी भी है। तो इसलिए मैं जितना भी हमारा इस यहाँ कम्युनिटी है तो हम विश्वास दिलाता है आने वाला समय में भी आपका साथ इसी तरह हम एकजुट होकर रहेगा। ये ऐसा एक अभियान है, ये मोदी सरकार का एक इच्छा है, उसका एक कोशिश है कि हमारा जो भाजपा है वो मजबूत रहना है, आपस में भेदभाव नहीं करते हुए, आपस में कुछ नहीं करते हुए हमारा जो भाजपा सरकार जो हमारा स्टेट में थी हम बीजेपी से होकर आया तो अपना बीजेपी को ताकत रखने के लिए हमको काम करना है ताकि बीजेपी में सब लोग देखा है कि अपना आपस में बैठिंग नहीं होना है, कोई किसी का साथ दुश्मन नहीं होना है। प्रधानमंत्री जी युवा गति से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपना यहाँ के स्थानीय विधायक श्री कुंजी सिद्धिशो जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है तो उसके बारे में सशक्तिकरण अभियान जो है इसलिए कहा जाता है कि आपका सुजय हुए जो पुलिंग बूथ है कमजोर उसको हम लोग कैसे ठीक करा जाए। चाहे सोलुंग में हो, चाहे बंगनी में हो, चाहे मोम्पा में हो, चाहे शरदबेन में हो, चाहे आका में हो, चाहे नॉन ट्राइबल में भी हो, उसको सेम बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि ये ग्राम पंचायत में मतलब रिलेशन इसको सिर्फ लेके जाना है, ये नहीं कि वो तो गरीब आदमी है उसको तो छोड़ देना हो चाहे मरो की कोई मतलब नहीं। इस तरह का अगर व्यवहार हमारा ग्राम चाहे पंचायत ग्राम पंचायत में और यहाँ का सीनियर लीडर पब्लिक आप लोग के लिए ऐसा करता है तो वो सीधा कंप्लेंट हमको दे दीजिए, उसका सिक्योरिटी दिला करना सिक्योरिटी टाइट करना वो मेरा जिम्मेदारी है, होगा समझ रहे ना आप लोग। एक दूसरे को मदद करना मदद करिए, टाइम मिलने में अच्छा दिन आने में और अच्छा दिन तो आ ही चुका है ना, और अच्छा सा और अच्छा दिन आने में वो भरपूर भी वो पैसा का बरामद भी बीमारी के लिए वो हम करेगा, हम होगा हम करेगा। दो मेम्बर आप लोग देते ही रहिए, एक्चुअली ये कम्युनिटी हॉल जो है लास्ट दो साल पहले अप्रूव हो चुका था शीशा में, यहाँ में शीशा में भी 25 लाख यहाँ में भी 25 लाख अप्रूव हो चुका है, लेकिन पैसा जो है सेंक्शन नहीं होके नहीं होके नहीं होके बोलते हैं। अभी जो है हम उसको जो है आरी में बदल दिया, अभी रिवाइज एस्टिमेट में बदल दिया, इस बार ये सितंबर लास्ट में यहाँ का 25 और शीशा का 25 लेग्स जो है निकल जाएगा। हाँ शीशा और एलिफेंट ये शेयर होल्ड जो आप लोग ने दिया है ये हो चुका है, ये जो है आप लोग ये सितंबर वो करता है फर्स्ट वीक से आप लोग शुरू करिए। हाँ हैंगिंग ब्रिज जो है हमको
लेकिन ये मार्च से पहले आप सेंक्शन करके दे गए हैंगिंग डिश। हाँ, आपका पहले से ये भी आपका चार्ज करना कहाँ जाता है ना, इधर ना, हाँ यहाँ जाता है ना। तो इसलिए मैंने ये जो है बिफोर मार्च से पहले हम ये हैंगिंग डिश को आर डब्ल्यू डिपार्टमेंट से सेंक्शन करके देगा। हाँ, डायरेक्ट सेंक्शन करके देगा। बाकी जो है एक यहाँ में इको टूरिज्म ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थ्रू इको टूरिज्म जो उस दिन हम दिल्ली जाके स्टेट गवर्नमेंट से करा के दिल्ली भी दिल्ली उधर में सबमिट करके भी आ गया। दिल्ली माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधर सबमिट करके है। तो ये जो है हमको लगभग एक महीना आधा दो महीना में पॉजिटिव जवाब मिलेगा ना। तो इसलिए आपका शीशा को जैसा भी रास्ता का ऊपर ऊपर जो है ना ये वातावरण का साथ में थोड़ा खिलवाड़ छोड़ दीजिए आप। हाँ, यहाँ का जंतु जानवर पशु पक्षी को मारना छोड़ दीजिए। यहाँ का जो वातावरण जो ये इतना सुंदर ट्रीज है ना, इतना सुंदर घास है, ये घास का अंदर में तो घास का अंदर में जंतु जानवर पशु पक्षी भी रहता है ना। ये घास को हम उड़ा देगा, यहाँ ऑक्सीजन जो हम लोग भी रहता है, ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो आदमी हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सब मरना पड़ेगा। इसलिए ये कुदरत ने इतना सुंदर जो जगह दिया है, इतना सुंदर से वातावरण दिया है, इसको बिल्कुल मत काटिए, इसको टॉर्चर मत करिए। ये नेचर को टॉर्चर कर घूम फिर के आपको ही लगेगा, हाँ हम लोग को ही लगेगा। इसलिए यहाँ एक ऑथोरिटी जब आते समय यहाँ से लेके वह उधर जो झरना है वो स्प्रिंग वाटर है, इस ये एरिया को बहुत सुंदर होगा, टूरिस्ट प्लेस बनेगा ये। इसलिए बिल्कुल यहाँ में चेंज होगा। और उसके बाद फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस एक आएगा, फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस ना ये भी अब ही करेगा, ये भी बहुत जल्दी आएगा, फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस ये आएगा। ये जो थोड़ा बड़ा अमाउंट होगा, हाँ ये जो आप लोग को ही बनाने देगा, हम किसी को नहीं देगा, आप लोग को ही देगा। सर आज यहाँ के लोगों से पता चला है कि आखिरकार सेसा में इलेक्ट्रिसिटी आ चुका, करंट आ चुका है, तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी बार आपके तरफ से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो लाया जाता है लेकिन बीच में गायब हो जाता है। अभी 3 साल के बाद में आई गेस ये जो इलेक्ट्रिसिटी से इस्टेब्लिश किया गया, तो हम जानना चाहेंगे कि ये परमानेंट है या फिर इसमें भी कुछ कट ऑफ रहेगा बीच में। देखिए थोड़ा पहले हमने पब्लिक को जब मेरा जब एक्सप्लेन करते समय जब उन लोग को बता रहा था यहाँ का जो प्रॉब्लम्स को लेकर जब बता रहा था उसी समय हमने ये भी क्लियर कट मेंशन किया कि ये कोरोना समय में है। उसके बाद सेकेंड एक जो नेचुरल कैलामिटीज जो सेसा हाइडल से देता था जो वेरियस वो जो है 2.5 2 मेगावाट 500 किलोवाट तो उसका लाइट जो यहाँ देता था, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटिस ने ऐसे डैमेज कर दिया कि वो जो है बनाने में कम से कम उसको जो है 1 साल आधा लगभग लगा। ये ख़त्म होने के बाद आज का दिन में जैसे सेसा पावर हाउस ख़त्म होने के बाद उसका भी फिर हमने बालोपुंग से एक अल्टरनेटिव करके यहाँ लाइट पहुँचा दिया गया। तो पहुँचाने के बाद आज उन लोग ही खुद बता रहा है कि हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि उन लोग भी देखा हुआ है कि सेसा पावर हाउस जो है अभी नेचुरल क्लाइमेटिस ने बारिश का सीजन समय में डैमेज करके रखा, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। वो होने के बाद यहाँ में डबल इंजन बोलता है ना, वो कहानी सचमुच का यहाँ में डबल इंजन शुरू हो जाएगा। दो लाइट आएगा, एक तो बालोपुंग से जो निपको से जो दिया वाला, पावर ग्रिड से जो दिया वाला, एक जो सेसा हाइडल अपना स्टेट का जो अपना ओन रिसोर्स है यहाँ से ही मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर तो देखा जाता है कि अभी जो हर जल जीवन मिशन का भी जो है यहाँ पे यहाँ के लोगों से पता चला है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट इन अ प्रॉपर वे हो गया, और हमने भी देखा और यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनके तरफ से क्या, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपका और क्या क्या चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपका अभी ये 3rd tenure चल रहा है, तो अभी बस 1 साल ही बचा है, 2024 का जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो अभी क्या क्या और बाकी है और आने वाले समय में आप क्या और प्लान कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाने के? जब से 2009 से हम बनने के बाद हम थोड़ा पहले हम फिर बता रहा था उन लोगों को, हमारा यहाँ में लगभग 14 लाख पॉपुलेशन 14,000 समथिंग वोटर्स है, एंड जनरल पॉपुलेशन जो 29,700 कुछ लोग हमारा 6th region of बुरांगा इसमें कॉन्स्टिट्यूंस में रहता है। इसमें सभी लोगों को पता है कि जब से हम 2009 में टेक ओवर करने के बाद ऐसे MLA टेक ओवर करने के बाद उससे पहले क्या था, आज का जो 13 साल में और 15 साल जो होने जा रहा है इस बीच में हमने क्या काम किया, ये पब्लिक को किसी को भी पूछिए, चाहे दोईमारा का वाला को पूछिए, चाहे त्रिजनी वाला को पूछिए, चाहे सिंगचोंग वाला को पूछिए, चाहे आपका वाहू वाला को भी पूछिए, चाहे बिछोम वाला को भी पूछिए, चाहे जमीरी वाला पूछिए, चाहे बुरागम से, वहाँ पब्लिक आपको विटनेस कर देगा कि कुमसी सीधी सो MLA बन के ये क्षेत्र के बनने के बाद उन्होंने हमारा एरिया में ये किया, उन्होंने हमारा एरिया में ये किया, इन्होंने हमारा एरिया में ये पोलू ही विटनेस कर देगा आपको।
सर आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हमने जैसे आपने कहा कि आप जाके देख सकते हैं, हमने भी देखा और 2019 को जब अब इलेक्शन के दौरे में था तब हमने देखा, और अभी के समय भी अगर बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट लाया है, लेकिन अभी क्योंकि एज ऑफ नाउ आप सेसा में है और इसके बाद आप एलिफेंट जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ये जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है, तो जो सेंट्रली गवर्नमेंट की तरफ से जो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो दूसरे क्षेत्र के लोगों को मिलता है तो यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, तो इसको लेकर एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए खास करके आपने जो एलाइड सेक्टर का जो पूछा है, जो एग्री हॉर्टी ये सब के बारे में जो पूछा है, जैसे कि फॉरेस्ट जो टेरिटरी एरिया में जहाँ रिजर्व एरिया जहाँ वाइल्ड लाइफ जहाँ सेंचुरी एरिया है वहाँ तो कर नहीं सकता है, तो सच्चाई बात है, लेकिन जितना भी गवर्नमेंट का जो अलग जो बेनिफिट को बेनिफिशरी जो मिला है, जिस तरह से यहाँ में उन लोगों ने भी अपना अपना जो जिगर किया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चावल भी फ्री दिया नहीं है, उसके बाद बिजली भी फ्री है, बिजली फ्री माने कुछ बीपीएल लोगों के लिए कुछ फ्री किया गया है, और जल जीवन मिशन से हर एक घर में पानी सब कुछ पहुंच चुका है और हर एक घर में बाथरूम पहुंच चुका है, तो जिस तरह से हर एक चीज़ को जो दिया है तो उसी तरह यहाँ में जो है आज फॉरेस्ट विभाग हम देख रहा है ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ में एज एडवाइज़र के रूप में हम देख रहे हैं, जितना फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट से जो मदद कर सकता है विदाउट नेचर को टॉर्चर नहीं करते हुए उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हुए जितना हमारे तरफ से जो सीख रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद कर रहा है, उन लोगों को हम ये भी बता दिया कि यहाँ में ऐसा ऐसा चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थ्रू आएगा, ये चीज़ भी हम उन लोगों को ये मीटिंग में जिक्र कर चुका है।